पांच WWE की टॉप सीक्रेट्स ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में, जो कि डैम श्योरली आप में से किसी को भी पता नहीं होगा, शायद पता भी हो पर मोस्ट ऑफ यू इनके बारे में नहीं पता होगा। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। तो ब्रॉक लेसनर के सामने ऐसी टक्कर देने वाला ऐसा रेसलर ब्रॉन स्ट्रोमैन, इतना ताकतवर रेसलर जो कि कभी रेसलर बनना ही नहीं चाहता था। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बताया कि वो कभी भी WWE का रेसलर बनना ही नहीं, WWE का क्या कहीं भी रेसलर नहीं बनना चाहता था। WWE ने से बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था रेसलर बनने के लिए। नंबर चार पर है, ब्रॉन स्ट्रोमैन किसी भी तरह की जिम वगैरह यूज नहीं करता। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी बॉडी बिल्ड अप नेचुरल तरीकों से की है और जिम नहीं, फॉरेस्ट में जाकर, जंगल, पहाड़ और इन सब में प्रैक्टिस कर इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी बॉडी बनाई हुई है ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। नंबर तीन पर है रॉयल रंबल एंट्रेंस। हमें पता है इस बार का रॉयल रंबल जो हुआ था 2017 का, वो काफी बेकार गया था रेटिंग्स के मामले में। आपके हिसाब से नहीं, रेटिंग्स के हिसाब से काफी बेकार गया था। उसकी रैंप बहुत लंबी थी। अब घर पे आपने टीवी में देखा होगा, आपको नहीं पता होगा क्योंकि WWE ने फोकस ही नहीं किया, पर अगर आपने लाइव इवेंट अटेंड किया रॉयल रंबल तो आपको पता होगा कि क्या हुआ था। ब्रॉन स्ट्रोमैन और कुछ ऐसे रेसलर्स को सिंपल भाषा में कहूं तो रेडी में बिठाकर वहां तक पहुंचाया गया था, जो कि कार्ट थी वहां पे उन्हें, क्योंकि वो बहुत दूर था और वो बहुत टाइम लगाते वहां तक पहुंचने में। नंबर दो पर है ओरिजिनल प्लान्स। एक्चुअली में ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक सिंगल रेसलर बनने के लिए नहीं डिसाइड किया गया था। WWE ने डिसाइड किया था कि उसे एक रेसलर का मैनेजर बनाना है, ना ही तो वो ब्रे वाइट था या फिर कोई और रेसलर था। होगा कोई और रेसलर बट वो ब्रे वाइट नहीं था, हो भी सकता है बट वो था नहीं एक्चुअली टाइम में। तब WWE ने डिसाइड किया था कोई नया सुपरस्टार, एक हील को ये बॉडीगार्ड दिया जाएगा और एक मेन इवेंट पुश दी जाएगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। तब WWE को लगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन वाकई ही एक मेन इवेंट लेवल की चीज है। तो नंबर वन की बात करें तो यही सीक्रेट है कि WWE ने इसे नंबर वन पर रखने के लिए डिसाइड किया था कि वो इतना ताकतवर है और उसे मेन इवेंट पुश दी जाए। अब क्यों नहीं दी जा रही ब्रॉन स्ट्रोमैन को मेन इवेंट पुश? ब्रॉन स्ट्रोमैन का बिहेवियर एक्चुअली, जो कि WWE की बैकस्टेज रिपोर्ट्स आती हैं और PW इनसाइडर का कहना है, ब्रॉन स्ट्रोमैन पीछे बिल्कुल भी किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करता। वो WWE से पूरा समझाती है कि प्रिकॉशन लेना किसी को मारने में या फिर किसी मैच में, तो वो बिल्कुल भी प्रिकॉशन नहीं लेता बिल्कुल भी किसी तरह के भी मैच में, तो जिससे WWE काफी नाराज रहती है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन की मेन इवेंट पुश कैंसिल कर दी गई और बहुत आगे तक डिले कर दी गई। ऐसा सेम ही बैरन कॉर्बिन के साथ हुआ था, बाकी ये सिर्फ एक रूमर्स की बात है, कंफर्म नहीं है असल में अंदर क्या हुआ था। जो भी हुआ था जानने के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा और जो कि शायद 6 महीने या फिर जब वो चैंपियन वगैरह बनेगा तब निकल कर आ ही जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखी ले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। हम देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमन।